देखिए डीसी सीरीज मोटर देखते हैं, इसकी पावर और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और एप्लीकेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डीसी सीरीज मोटर की बेसिक चीजें देखते हैं। देखिए डीसी सीरीज मोटर में हमारे पास एक आर्मेचर होता है और एक वाइंडिंग होती है, दोनों आपस में सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए तो उसको डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। जैसे ये देखें दिखाई गई है, ये फील्ड की वाइंडिंग है और आर्मेचर की वाइंडिंग है, दोनों आपस में क्या है, सीरीज में लगी हुई है। जो आप लोड से, जो आप यहां से सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई सारी सीरीज वाइंडिंग के अंदर आ रही है, वो सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आ रही है। तो लोड की करंट, सीरीज वाइंडिंग के करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है। ठीक है, जो यहां से आपके करंट सीरीज सर्किट है ना, जहां से जो आपने करंट सप्लाई दी, वही करंट सीरीज वाइंडिंग के अंदर आई, वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आई। तो जो लोड करंट है वो सीरीज वाइंडिंग के करंट के बराबर है और वही करंट क्या है, आर्मेचर के करंट के बराबर है, यानी कि तीनों करंट सेम है। ठीक है, अब अगर वोल्टेज की बात करें तो टोटल जो आप सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे हैं। ठीक है, इसकी बैक ईएमएफ में जाया हो रहे हैं, कुछ इसकी रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, और कुछ आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या होंगे, बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर के रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वी इक्वल टू आई ए इंटू आर, और प्लस सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ड्रॉप आई इंटू आर एस ई। अगर आई दोनों में से कॉमन ले लें तो आर प्लस एस ई आ जाता है। ठीक है, जो टोटल वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ प्लस करंट के साथ आर्मेचर की रेजिस्टेंस और साथ में सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, इसमें से करंट कॉमन ले ली। ठीक है, अगर आप इसको आई इंटू आर ए प्लस आई इंटू एस सी लिखिए तो भी सही है, एक ही मतलब है। सही है, इस तरह वोल्टेज और करंट की, करंट इसमें सेम होती है सीरीज में, और वोल्टेज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे होते हैं, कुछ आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं, कुछ सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं। पावर इक्वेशंस देखते हैं और टॉर्क और स्पीड की इक्वेशन देखते हैं डीसी सीरीज मोटर के केस में। देखें डीसी सीरीज मोटर में V इज इक्वल टू E इंटू E प्लस आई आर ए प्लस आई एस सी होते हैं। यहां पे देखें आपने जो सप्लाई दी हुई है वोल्टेज, वो कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहते हैं, ये E लिख दिया। ठीक है, कुछ इसकी रेजिस्टेंस आर्मेचर की रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहते हैं, वो आई इंटू आर ए लिख दिया। कुछ सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहते हैं, वो आई इंटू आर एस ई लिख दिया, आई दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पी इक यहां पे करंट से मल्टीप्लाई करेंगे वी आई आ जाएगा, ई इंटू आई आ जाएगा, यहां आई पहले ही है तो आई स्केयर आर आ जाए। ठीक है, ये इनपुट पावर है, वी आई इनपुट पावर है, ई इंटू आई ये मैकेनिकल पावर डिवेल्प है। इसी तरह आई स्केयर आर जो है, आई स्केयर आर ए बात करें तो आर्मेचर के अंदर के लॉसेस हैं, आई स्केयर आर एस ई बात करें तो सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से उसमें जो ड्रॉप हो रहे हैं वो है। ठीक है, और ये क्या चीज है, ई इंटू आई ए, ये मैकेनिकल पावर डिवेल्प्ड है, पी एम इज इक्वल टू ई इंटू आई ए। ठीक है, मैकेनिकल जो पावर डिवेल्प हो रही है सीरीज मोटर के अंदर। स्पीड की इक्वेशन चेक करते हैं, देखें बैक ईएमएफ होती है ई बी इज इक्वल टू एन पी फाइव जी डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए। ठीक है, अब देखें एक स्पेसिफिक मोटर में नंबर ऑफ पाथ्स कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट होते हैं जी, यानी कि ना नंबर ऑफ पाथ ए कांस्टेंट होते हैं, इस केस में जी नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, पी नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट होते हैं। जो चेंज हो रही होती है वो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है और स्पीड चेंज हो रही होती है। ठीक है, अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में लिखें तो ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइ इंटू एन, क्योंकि ए बी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक मोटर के लिए। यहां से एन की वैल्यू निकालें तो फाइ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाय फाइ। ठीक है, ई बी की वैल्यू लिखें, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, और फ्लक्स फाई जो है, फ्लक्स वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड की करंट की। ठीक है, फ्लक्स जो है वो फील्ड की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई एफ।
ये इसकी क्या बन गई, स्पीड की इक्वेशन बन गई। अब टॉर्क की इक्वेशन होती है टी इज इक्वल टू 0.159 पी जी ओवर ए, ठीक है, इंटू फाइव डॉट आई। पोल्स कांस्टेंट होते हैं, जी कांस्टेंट होते हैं और ए जो है पास वो भी कांस्टेंट होते हैं। अब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू आई ए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ कर भी चुके हैं ये वाला ना, ठीक है, तो उसको आप दोबारा हम इसको अभी नहीं कर रहे। अब आर में फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के करंट के, तो फ्लक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, आई एफ लिख दिया। आर्मेचर करंट पहले थी, अब फील्ड करंट भी आ गई। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए डॉट आई एफ, यानी कि आर्मेचर करंट और फील्ड के करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, ठीक है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई डॉट आई ए, और फाई किसके इक्वल है, फील्ड के करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यहां हमने फील्ड के करंट ही लिख दी। सीरीज के केस में सीरीज वाइंडिंग मोटर की फील्ड होगी और शंट के केस में शंट वाइंडिंग वाली मोटर की फील्ड होगी। डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड लोड और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। टॉर्क लोड या टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं डीसी सीरीज मोटर के ना। देखें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फील्ड के करंट के, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए डॉट आई एफ, ठीक है। देखिए सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में जो लोड से करंट आ रही है वही करंट जा रही है फील्ड के अंदर और वही करंट जा रही है आर्मेचर के अंदर, ठीक है। तो आर्मेचर की करंट और फील्ड की करंट बराबर होती है, तो यहां फील्ड की जगह भी हमने आई ए लिख दिया। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ करंट, मतलब टॉर्क जो है वो करंट के स्केयर के लिहाज से चेंज होता है डीसी सीरीज मोटर के केस में, वो इसलिए चेंज होता है कि फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है और फील्ड की करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, ठीक है। टॉर्क स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब देखिए स्पीड लोड के लिहाज से कैसे चेंज हो रही होती है। अब देखिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फाई। अब ये फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के, फील्ड की करंट के, तो यहां पे लिख दिया आई एफ, ठीक है। अब देखें मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है, क्योंकि जो करंट सप्लाई दे रहे होते हैं वही आर्मेचर में से गुजर होती है, वही फील्ड में से गुजर होती है। तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया वी माइनस आई ए आर ए, और इसमें सीरीज वाइंडिंग की, सीरीज भी वाइंडिंग होती है, तो आई एस आर एस एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन आ गई, क्योंकि आर्मेचर करंट के सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग भी लगी होती है, ठीक है। अब बैक ईएमएफ किसके इक्वल बनेगी, ई वी माइनस आई ए आर ए इंटू आई एस आर एस। अब देखें जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो सिस्टम क्या करेगा, मोटर क्या करेगी, आर्मेचर करंट लेगी। जब करंट लेगी तो करंट करंट जितनी ज्यादा लेगी उस लिहाज से स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये नेगेटिव साइन में है वी माइनस आई ए, आई ए के साथ डिक्रीजिंग टर्म है ये वाली, ठीक है। इसी तरह ये क्या चीज है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में आ रहा है। तो जितनी जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ने के साथ, जैसे मोटर सप्लाई से करंट ज्यादा लेगी, जैसे लोड आप बढ़ाएंगे तो मोटर क्या करेगी, करंट ज्यादा लेगी पीछे से, जब करंट ज्यादा लेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट लेगी वो आर्मेचर के करंट की इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्पीड इसकी, ठीक है। तो ये वाली कर्व दिखाएगी, एक कांस्टेंट आइडेंटिकल स्पीड लाइन ये दिखाई गई है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसके लिहाज से जब आर्मेचर करंट ज्यादा लेता है तो स्पीड इसकी डाउन हो जाती है। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखें एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आई ए, जो स्पीड है वो क्या चीज है, आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, स्पीड आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और आर्मेचर करंट जो है वो आर्मेचर करंट का स्केयर जो है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क के स्केयर रूट के, सही है ना। देखिए ना स्पीड जो है आर्मेचर करंट, ये इक्वेशन देखें, स्पीड जो है
स्पीड आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में जा रही है, नेगेटिव टर्म है, या अगर आप यहां पे देखें तो डिवाइड हो रही है इसमें, ठीक है। तो स्पीड जब आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है और टॉर्क प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे तो आर्मेचर करंट प्रोपोर्शनल होती टॉर्क के स्क्वायर रूट की, तो आर्मेचर के करंट की जगह टॉर्क का स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। तो यहां से मैं सॉल्यूशन निकलेगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क के स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है जो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड होती है, ठीक है। टॉर्क के स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क, टॉर्क के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल किस तरह की जाती है, आप क्या करते हैं फील्ड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस तरह आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में देखिए आप आर्मेचर करंट को जब वेरी कर रहे होते हैं, जैसे आर्मेचर करंट को वेरी करते हैं उस लिहाज से स्पीड चेंज होती है। जब इसी तरह आर्मेचर करंट को वेरी करने से फ्लक्स को वेरी करते हैं तो टॉर्क भी चेंज होता है। देखिए इसमें से कितनी चीजें हैं, स्पीड में से वी आई ए और फ्लक्स है ना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फाई। अब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना, आप क्या करें वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड आ गया, आई ए आप क्या कर सकते हैं करंट कंट्रोल मेथड यानी कि आर्मेचर की करंट कंट्रोल कर सकते हैं, और फाई क्या हो जाएगा फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। इन तीन मेथड से आर्मेचर मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। अगर आपके जहन में यही फॉर्मूला ले वी एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फाई, तो यही से आप बता सकते हैं वोल्टेज आर्मेचर करंट और फ्लक्स इन तीनों में से कोई एक चीज कंट्रोल करें तो मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। अब ये देखें फील्ड के लिए रियोस्टेट लगाया हुआ है, फील्ड के करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह यहां आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर रियोस्टेट लगाया, सही है। डीसी सीरीज मोटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ट्रेन में इस्तेमाल होती है, लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल होती है, लिफ्टिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है, ट्रॉली और बसेस में इस्तेमाल होती है, जहां पे रैपिड सिस्टम हो उधर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कन्वेयर्स में भी इस्तेमाल की जाती है। आप में से जिन्होंने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी कर लें।